हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका यूपी टेट को लेकर के है। और मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि यूपी टेट के जो फॉर्म है वो नवंबर में भरे जाएंगे, साथ ही साथ में दिसंबर में आपके एग्जाम होंगे। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जानने के लिए कि जिन लोगों ने NIS डिलीट किया है क्या वो लोग यूपी टेट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। और हमने भी कहा था कि आपको वीडियो बना के हम बताएंगे। चलिए आइए इस बारे में हम आपको बताते हैं कि जिन लोगों ने NIS डिलीट किया है क्या है वो यूपी टेट भी एग्ज़ाम दे सकते हैं यूपी टेट का या नहीं दे सकते हैं, मान है या नहीं है NIS डिलीट। लेकिन उसके पहले क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसको बताने के लिए हम चलते हैं PDF पे, यानी कि नोटिफिकेशन पे जो रिलीज की गई है आपके यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसमें यूपी टेट के बारे में एलिजिबिलिटी दी गई है। उस एलिजिबिलिटी को देखते हैं और समझते हैं कि क्या NIS डिलीट मान है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हो PDF है और इसमें हम देखते हैं सबसे पहले पात्रता पे देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, अर्हता क्या रखी गई है UPTET एंड यूपी टेट के लिए शामिल होने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन रखी गई है, कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे यूपी टेट में क्लास 1 से 5th के लिए, यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम अर्हता को एलिजिबिलिटी को देखते हैं तो इसमें स्पष्ट कहा गया है विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। या तो विधि द्वारा स्थापित हो, कानून के द्वारा स्थापित, या फिर UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, यानी कि यहाँ पे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की बात कर रहा है। यहाँ से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCT से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार से या शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीलेट BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है स्नातक के लिए, और स्नातक के बाद जो आपके पास डिप्लोमा डिग्री होगी वो होगी 2 वर्ष का डीलेट, या फिर जिसे BTC के नाम से भी यूपी में जाना जाता है, अब उसका नाम चेंज करके डीलेट कर दिया गया है। तो जो लोग अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं, जो पास हो गए हैं वो तो एलिजिबल ही होंगे, लेकिन जो लास्ट ईयर में बैठ रहे हैं वो भी इसके लिए शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, आप क्वेश्चन करें कि क्या यहाँ पे जो लोग, जिन लोगों का स्नातक है और उन्होंने डिग्री या डिप्लोमा के बेस पे NIS से डीलेट किया है, तो क्या वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT से मान्यता के उपरांत। देखिए अभी तक आपके डीलेट में ये चल रहा था, जिन लोगों ने NIS से किया कि NCT ये जो अप्रूव नहीं कर रही है कि जो ये आपका डीलेट है वो मान्य है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने ही भी आपको न्यूज़ दिया था और बताया था कि NCT उसने अब डीलेट को जो है वो मान्य कर दिया है। तो यहाँ पे भी थोड़ा संशय बना हुआ है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि जो यूपी में है वो गवर्नमेंट ने डीलेट को मान्यता दे दी है, लेकिन जब तक NCT की बातें क्लियर नहीं हो जाती हैं, जब तक NCT जो है इसको अप्रूव नहीं कर देता है, तब तक हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी देखते हैं, यहाँ पे दूसरी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है या फिर विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित व स्नातक शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले उत्तीर्ण अभ्यर्थी। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट यहाँ पे भी कह दिया गया है कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो आप किसी भी UGC से मान्यता प्राप्त या किसी भी यूनिवर्सिटी से विधि द्वारा स्थापित या फिर दूरस्थ शिक्षा विधि से, वो अप्रशिक्षित है और स्नातक शिक्षा मित्र हैं, या तो BTC कर चुके हैं या अंतिम वर्ष में है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा अगला है कि विधि द्वारा स्थापित UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT है वहाँ से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा जिसे DED कहा जाता है वो, या फिर भारतीय पुनर्वास परिषद जो RCI है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र यानी विशेष शिक्षा होती है उसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा जो DED होता है उसके अंतिम वर्ष में जो लोग बैठ रहे हैं उत्तीर्ण हों, वो लोग भी 1 से 5th क्लास के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, इसी तरह से हम और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित है UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम
50% अंकों के साथ स्नातक, सभी जगह भी स्नातक ही आपका आ रहा है अथवा परा जो स्नातक है और NCT से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी जिन लोगों ने BEd किया है या तो वो पास कर चुके हों या फिर अंतिम वर्ष में वो बैठ रहे हों, फाइनल ईयर में हों, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। अभी तक देखिए सभी में स्नातक ही, ग्रेजुएशन ही इसमें अभी दिया गया है 1 से 5th क्लास के लिए भी। और उसका एक रीज़न ये है फ्रेंड्स कि यूपी में जो DLED, जिसको पहले यहाँ BTC के नाम से जाना जाता था, वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। जनरली सभी जगह डीलेट 12th के बाद होता है, लेकिन यहाँ ग्रेजुएशन के बाद होता है, इसलिए यहाँ पे सभी में स्नातक कहा गया है, लिखा गया है। विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, विद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा परा स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक BEd, ठीक है, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी मान्यता मानदंड और क्रियाविधि नियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह से अगला देख लेते हैं कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद उसके द्वारा जो मान्यता प्राप्त विशिष्ट BTC प्रशिक्षण होता है, जो लोग ले रहे हैं अंतिम वर्ष में है वो, या फिर जो ले चुके हैं उत्तीर्ण कर चुके हैं वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। एक ही चीज़ यहाँ पे न्यू चीज़ भी आई हुई है, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें भी वही है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित 2 वर्षीय जो आपका BTC यानी उर्दू विशेष प्रशिक्षण होता है, जो लोग BTC उर्दू विशेष प्रशिक्षण कर रहे हैं वो लोग भी 1 से 5th के लिए एलिजिबल होंगे, या तो वो लास्ट ईयर में बैठ रहे हों या फिर वो पास कर चुके हों, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले उत्तीर्ण, यानी कि ग्रेजुएशन उनका होना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने MU से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जिन लोगों ने डिप्लोमा इन टीचिंग लिया, या तो उत्तीर्ण हो यानी पास हो चुके हों या फिर लास्ट फाइनल ईयर में बैठ रहे हों, वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से दिनांक 11/8/1997 के पूर्व के जो मुअल्लिम ए उर्दू उपाधि धारक यानी उर्दू शिक्षक के, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उर्दू शिक्षक के लिए वहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी गई है, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जो है 11/8/1997 के पूर्व के जो मुअल्लिम लोग होते हैं, जो उर्दू उपाधि धारक होते हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, ओके। जिस तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट, अब यहाँ पे इंटरमीडिएट एक बार शब्द आया है, देखिए एक यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी गई है, जो यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी 12th में 50% मांगा गया है या फिर इसके समकक्ष होना चाहिए, लेकिन साथ में 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLED के, यहाँ पे BLED यहाँ पे मांगा गया है, वो भी अंतिम वर्ष में या फिर जो उत्तीर्ण कर चुके हों। तो यदि हम यहाँ पे 1 से 5th क्लास में देखते हैं कि यदि 12th के बाद आपने NIS से DLED किया है तो आपके लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, ठीक है, 1 से 5th क्लास के लिए। लेकिन यदि आपने ग्रेजुएशन के बाद DLED किया है और यहाँ पे NCT यदि इसको मान्यता दे देती है, जनरली यही कहा जा रहा है, NCT ने भी कह दिया कि हमने मान्यता दे दिया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और सिर्फ ग्रेजुएशन में एक ही कंडीशन रखी गई है कि इंटरमीडिएट में यानी 12th में जिन लोगों ने 12th किया है तो उनका 50% होना जरूरी है और साथ में 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLED होना जरूरी है। तो ये था 1 से 5th क्लास के लिए। यदि हम आगे चलते हैं और देखते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए, अब यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है ये भी देख लेते हैं, लगे हाथ इसी वीडियो में जब यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे भी वही है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, NCT से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से जो समता प्राप्त संस्था होती है वहाँ से 2 वर्षीय DLED जो है BTC के अंतिम वर्ष में हो, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है ग्रेजुएशन के बाद, यानी जिन लोगों ने ग्रेजुएशन के बाद NIS से DLED किया है, जिनका ग्रेजुएशन है, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परा स्नातक और NCT से मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BEd के अंतिम वर्ष में शामिल या फिर पास लोग जो हैं एलिजिबल हो सकते हैं। और विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा परा स्नातक और शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी जो BEd होता है, ठीक है ना, और जो समय समय पर जारी किए जाते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो मानता मापदंड होता है उसके, जो उसको पूरा करते हो
वो लोग इलिजिबल हो सकते हैं, किसके लिए, 6 से 8 के लिए, अपर के लिए। और इसी तरह से यहाँ पे न्यूनतम 50% जो अंक हैं वो स्नातक अथवा परस्नातक में होना चाहिए। और NCT से जो मान्यता प्राप्त संस्था होती है और भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्था होती है, वहाँ से BEd यानी शिक्षा शास्त्र, जो विशेष शिक्षा शास्त्र होता है, विशेष BEd होता है, वो जो लोग उत्तीर्ण कर चुके हैं, लास्ट ईयर में बैठ रहे हैं, वो एलिजिबल होंगे। इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट यानी कि 12th में जिनके 50% है और या इनके समकक्ष एवं NCT द्वारा या फिर UGC से प्राप्त जो मान्यता प्राप्त होते हैं संस्था से 4 वर्षीय BA BEd अब BA BEd यानी कि देखिए यहाँ पे जो एक तरह से इंटरग्रेटेड जो कोर्स चलते हैं, ठीक है ना, BA तो जो इंटरग्रेटेड कोर्स होते हैं 12th के बाद होते हैं, जो 4 साल के होते हैं, यहाँ पे चीज़ कही गई है कि जो लोग फाइनल ईयर में हैं या उत्तीर्ण कर चुके हैं वो एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन की ही यहाँ पे बात कह दी गई है। यहाँ पे 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट यानी 12th एवं इसके समकक्ष और NCT UGC से मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्षीय BSc और जो BSc BEd होता है उसके लिए यहाँ पे जो लोग जो पास कर चुके हैं या फिर लास्ट ईयर में बैठ रहे हैं वो भी एलिजिबल होंगे। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट उसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक जिसे BEd के नाम से जाना जाता है जो पास हो चुके हैं या फिर लास्ट ईयर में एग्जाम देने वाले हैं बैठ रहे हैं वो भी एलिजिबल होंगे। और विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और भारतीय पुनर्वास परिषद यानी RCI द्वारा मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय BEd जो विशेष शिक्षा होती है या तो जो पास कर चुके हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पे मौका है UPTET में 1 से 5th एंड 6 से 8 में जिन लोगों ने ग्रेजुएशन के बाद DELED किया है, NIS CVD किया है तो वो एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने 12th के बाद किया है तो यहाँ पे सिर्फ 12th के बाद वही लोग एलिजिबल हो रहे हैं जिन्होंने इंटरग्रेडेड यानी कि ग्रेजुएशन प्लस डिग्री डिप्लोमा जो आप साथ में लिया है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।